ओ भाई ये क्या है? असंभव हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को ऐसे टॉप 5 ऐसे हाइडन प्लेसेस एंड ग्लिचेस के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे देख के आप लोग शॉक्ड रहने वाले हो और जिसे यूज करके आप 2 दिन में ग्रैंड मास्टर जाने वाले हो। तो फर्स्ट इस ट्रिक को करने के लिए आप लोगों को इस टाइप से लोकेशन पे आ जाना है, फिर ये लॉन्च पैड को यूज करके आपको ऐसे सेट करना है जैसे मैं सेट कर रही हूँ, आराम से सेट करना है। फिर यहाँ से आपको लीव कर देना है। फिर आप देखोगे कि आप इस पेड़ पे आके लटक गए हो, तो आप यहाँ से आप बैठ के आराम से रैंक पुश कर सकते हो और आराम से किल भी ले सकते हो। यहाँ पे बैठे रहोगे तो आप किसी भी बंदे को नहीं दिखने वाले हो और आप सभी बंदे को देख सकते हो और यहाँ से आप आराम से किल विल भी ले सकते हो। सेकेंड ट्रिक के लिए आप लोगों को बरमूडा मैप के इस टाइप से लोकेशन पे आ जाना है, जिसको अपन लोग बोलते हैं रिवर साइड में जो ब्रिज बना है ना, वहाँ पे आ जाना व्हाइट गाड़ी लेके। फिर व्हाइट गाड़ी को ऐसे दीवार के पास ऐसे सेट करके रखना है, जैसे मैं सेट कर रही हूँ ना वैसे आप लोगों को भी सेट करना है। फिर सेट करने के बाद में आप लोगों को गेट आउट कर देना है। गेट आउट करने के बाद आपको इंटर करके गेट आउट कर देना है, ठीक है। फिर गेट आउट करने के बाद आप लोग देखोगे कि आप लोग इस दीवार के अंदर पे आ गए। यहाँ पे बैठकर आप लोग आराम से रैंक पुश कर सकते हो और 2 दिन में ग्रैंड मास्टर जाने वाले हो। और यहाँ पे बैठे रहोगे ना तो कोई भी एनिमी आपको आसानी से देख नहीं पाएगा, मतलब देख ही नहीं पाएगा। ट्रिक नंबर 3 में आप लोगों को रिवर साइड के इस टाइप से लोकेशन पे आ जाना है, ये पानी के पास, और आपके पास मिनी लॉन्च पैड होना चाहिए ना। मिनी लॉन्च पैड लेके आना है और आप लोगों को ऐसे पानी पे सेट करना है, जैसे मैं लगा रही हूँ ना पानी पे वैसे आप लोगों को भी लगाना है। फिर इसको ऐसे यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद में आप लोगों को इस साइड से ऐसे सेट करना है जैसे मैं सेट कर रही हूँ और लीव कर देना। लीव करने के बाद में आप लोग देखोगे कि आप लोग पानी पे आ गए, मतलब ऐसे खड़े भी होते हो ना तो आप लोग पानी के अंदर में तैरोगे नहीं, मतलब बैठोगे भी ना तो आराम से बैठ सकते हो और किसी भी बंदे को नहीं दिखने वाले हो। और यहाँ पर बैठ के आप आराम से रैंक पुश कर सकते हो और 2 दिन में ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। ये ट्रिक आप लोग यूज़ करके ज़रूर से बताना। ट्रिक नंबर 4 को करने के लिए आप लोगों को बरमूडा मैप के पिक पे आ जाना है, जहाँ पे ये पोस्टर लगा है ना वहीं पे आ जाना और लॉन्च पैड को लगा के ऐसे सेट करना है जैसे मैं सेट कर रही हूँ। फिर लीव कर देना। फिर आप लोग देखोगे कि आप लोग इस पोस्टर के ऊपर में आ गए हो और यहाँ से बैठ कर आप आराम से रैंक पुश कर सकते हो और किसी भी एनिमी को यहाँ से आराम से मार सकते हो और किसी बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे बैठे हो, तो आपका रैंक पुश आराम से हो जाएगा गाइस। ट्रिक नंबर 5 को करने के लिए आप लोगों को सिंपल से ट्रेनिंग मोड पे आ जाना और जहाँ पे गन परचेस करते हैं वहाँ पे आ जाना आप लोगों को। और कोई भी सा गन परचेस करना है, कोई भी सा गन परचेस करो बट उसमें स्कोप होना चाहिए तभी ये ट्रिक वर्क करेगा, है ना। तो आप लोगों को गन परचेस करने के बाद ये बॉट है ना यहाँ पे आ जाना आप लोगों को और उसके हेड पे आपको स्कोप लगाना है, ठीक है। स्कोप लगाने के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट फायर बटन और स्कोप वाले ऑप्शन है ना, दोनों को एक साथ क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करना है कि फायर ना हो। दोनों को क्लिक करने के बाद आपका ये ट्रिक हो जाएगा। फिर आपका एम है ना ये बॉट के ना हेड पे चिपक जाएगा। आप इसके ऊपर में जाओगे और रन वाले बटन को क्लिक करोगे तो आप यहीं पर गोल गोल घूमने लग जाओगे। आपका कैरेक्टर ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगा जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। आपको ये ट्रिक करने में बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग ये ट्रिक करके कमेंट में ज़रूर से बताना और आप लोगों को कौन से वाले ट्रिक सबसे अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।